सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे। देखो गाइस, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जो मेरा पुराना वाला वीडियो है जिसमें मैंने इन दोनों को कंपैरिजन किया था, वेजिटो और गोजीटा का, उस वाली वीडियो में सबका अलग अलग ओपिनियन था। एंड अभी भी कमेंट्स आ रहे थे कि 2019 में अब ये स्ट्रॉन्गर है एंड ये कैनन हो गया है वगैरह वगैरह। तो अभी मैं आपको मेरा ओपिनियन बताता हूँ कि इन दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर कौन लगता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दो यार, जाओ जल्दी, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, क्योंकि वहां मैं थोड़ी ऑडियंस बढ़ा के कुछ नया करने वाला हूँ। तो यार प्लीज आप लोग वहां उस चैनल पर थोड़ा सपोर्ट कर दो प्लीज। तो गाइस, अब बहुत हो गई बातें, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, जब से ये दो कैरेक्टर ने सीरीज में वापस से एंट्री मारी है, जैसे वेजिटो ने जमासु के वक्त और गोजेटा ने ब्रॉली के वक्त, और साथ साथ अब तो ये दोनों सुपर सैन ब्लू में भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब से इन लोग की डिबेट अब बहुत ही ज़्यादा होने लग गई है, बिकॉज दोनों बनते हैं फ्यूजन से ही, बस मेथड अलग है। तो गाइस, कंपैरिजन करने से पहले थोड़ा वेजिटो और गोजेटा की शॉर्ट समरी दे देता हूँ। तो देखो यार, वेजिटो एक ऐसा फ्यूजन वॉरियर है जो कायोशिन लोग की इयररिंग से बनता है। इस फ्यूजन मेथड की टाइम लिमिट काइज लोग के लिए तो परमानेंट है, पर मॉर्टल्स लोग के लिए ये बस एक घंटा ही चलता है। और गाइस, बात रही गोजेटा की, तो वो बनता है फ्यूजन डांस से, बट उसके लिए पावर लेवल्स को एकदम मैच करना पड़ता है और उसकी टाइम लिमिट है आधा घंटा। इससे पहले हमने जब भी गोजेटा को देखा था, जैसे फ्यूजन रिबॉर्न मूवी में और ड्रैगन बॉल जीटी में, उसका हर अपीयरेंस नॉन कैनन था, लेकिन अब जो उसने ऐसी खतरनाक कैनन एंट्री मारी है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में कि सबको हिला डाला। तो देखो यार, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे अभी के हिसाब से वेजिटो ज्यादा ताकतवर लगता है, क्योंकि एल्डर गाय ने कहा था कि पोटारा फ्यूजन फ्यूजन डांस से भी ज्यादा बेहतर है, और साथ साथ वेजिटो और जामासु की जब फाइट हो रही थी तब वेजिटो जामासु पर भारी ही पड़ रहा था। बट सोचो, उस वक्त अगर गोकू और वेजिटा ने एनिमे में ही सुपर सैन ब्लू को मास्टर्ड कर लिया होता और तब फ्यूजन करते, तो जामासु से लड़ने में उन्हें और आसानी होती। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मांगा में उन लोगों ने इसी आर्क में सुपर सैन ब्लू को मास्टर कर लिया था। चलो यार, ये सब छोड़ो, अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क के बाद हमें पता है गोकू और वेजिटा कितने ताकतवर हो गए हैं, और हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क के बाद गोजेटा को ही आते देखा है एनिमे में, मींस ब्रॉली मूवी में, पर वेजिटो को वापस आते नहीं देखा। तो अंदाजा लगा लो वेजिटो की तो अब ताकत कितनी बढ़ गई होगी कंपेयर टू गोजेटा, क्योंकि वो आराम से अब वेजिटो में कायोकेन भी ऐड कर सकते हैं, और वेजिटो को हमने सुपर सैन ब्लू में कायोकेन भी इस्तेमाल करते देखा है। हाँ पता है ड्रैगन बॉल हीरोज कैनन नहीं है, बट एनीवेज वो कर सकता है, हमें इतना तो पता है। बस दोनों फ्यूजन का डाउनसाइड यही है कि अगर वो लोग अपनी ज्यादा ताकत इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी फ्यूजन टूट जाता है। अगर हम टाइम लिमिट के हिसाब से भी देखें तो वेजिटो को एक घंटा मिलता है और गोजेटा को आधा घंटा, इसी से आप लोग हिसाब लगा लो। अब तुम लोग बोलोगे गोजेटा के पास बड़े बड़े नए की अटैक्स हैं जैसे हमने ब्रॉली मूवी में देखा, तो भाई लोग, अगर गोजेटा ऐसे बड़े बड़े हमले भी करेगा ना, तो ये मत भूलना वेजिटो ब्लॉक करने में उसका भी बाप है। तो देखो गाइस, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, एज अ फैन मुझे लगता है, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स बॉक्स में भर डालो इसी चीज से कि आपको कौन स्ट्रांग लगता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाइमास।